हिंदू पूजा में जितना पेड़ों का महत्व है उतना ही पेड़ों की पूजा का भी है, और इसी से जुड़ा हुआ है काल चक्र का हमारा आज का ये विषय। क्या आप भी पीपल, बरगद, केले या फिर तुलसी के पेड़ में धागा बांधते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आप न सिर्फ प्रकृति की सेवा कर रहे हैं बल्कि जाने अनजाने में अपनी हजारों परेशानियों को भी कम कर रहे हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज पंडित जी बताएंगे कि किस पेड़ में कच्चा धागा बांधेंगे। तो ऐसे में अगर आप किसी खास पेड़ में कच्चा धागा बांधते हैं, किस पेड़ में कच्चा धागा बांधने से आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं, और साथ ही साथ कच्चे धागे से आप और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, तमाम खास बातें पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और पूरे एक घंटे तक ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दस मई 2014 दिन शनिवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो रात में 12:39 तक रहेगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कल सुबह 4:46 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक। आज भद्रा काल दोपहर 12 से 12:04 से 12:39 तक। आज मोहिनी एकादशी व्रत है। आज भद्राकाल के पहले गृह प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त है और भद्राकाल के बाद अर्थात रात 12:39 के बाद रात्रि में विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर शनि की महादशा है, साढ़े साथी है या फिर ढैया है जिसकी वजह से आपको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको किस पेड़ में किस दिन कच्चा धागा बांधना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शनि की साढ़े साथी ढैया महादशा में क्या करें? शनि जब एक राशि पर 7.5 तक अपना प्रभाव रखता है तो इसको 7.5 कहते हैं। जिस राशि में शनि होता है उसके आगे पीछे की राशियों पर भी 7.5 का प्रभाव माना जाता है। जैसे इस समय कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7.5 चल रही है। तो मैं बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म की राशि कन्या है, तुला है या वृश्चिक है, या कर्क राशि या मीन राशि में आप पैदा हुए हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो आपको चाहिए कि शनिवार की शाम को पीपल के जड़ में गुड़ वाला मीठा जल चढ़ा करके 7 कच्चा सूत क्लॉकवाइज लपेटिए। पेड़ के नीचे काली चींटियों को काले तिल, चीनी और गेहूं का आटा मिला करके रखिए। अगर ये उपाय आप शनिवार के दिन करते हैं और कच्चा धागा लपेटते समय ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम प्रसन्न मुद्रा में शनिदेव का स्मरण करते हुए कच्चा सूत यदि आप लपेटते हैं तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सुख समृद्धि और मान सम्मान की कामना किसको नहीं होती, लेकिन यह इच्छा आप भी अपनी पूर्ण कर सकते हैं एक खास पेड़ में कच्चा धागा बांधकर। कौन सा है वो पेड़ और क्या खास उपाय आपको करना है इस पेड़ के जरिए, इस पेड़ में वो खास उपाय किस तरह से आप कर सकते हैं, सबको जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है राशियों की। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आज का दिन विद्याध्ययन की दृष्टि से कम ठीक है। अपने भाइयों के साथ भी आज विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और यदि आज आप यात्रा करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। आज आपको चाहिए लघु मृत्युंजय मंत्र ओम हौम जोम शाह
इस मंत्र का आप एक माला जप अवश्य कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सुख समृद्धि किसे नहीं चाहिए, आपका काम में मन नहीं लगता या फिर आप परेशान हैं और ऐसे में देखा जाए पूरी दुनिया आपको ऐसा लगता है कि आपकी नहीं है, बहुत परेशान है, ऐसे में क्या करना है आपको? अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएं, सुख समृद्धि का घर में वास हो, तो आपको किस पेड़ में कच्चा धागा बांधना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, स्थिति ऐसी है कि सब कुछ बेकार लगता है, सब बिगाने लगते हैं, दुनिया खराब लगने लगती है, सुख समृद्धि नहीं है, क्या करें? देखिए, यश सुख समृद्धि पाने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे नवमी के दिन कच्चा दूध उसकी जड़ में चढ़ाना चाहिए और उसमें क्लॉकवाइज कच्चा सूत जरूर लपेटना चाहिए। आंवले के पेड़ को धात्री फल कहते हैं, आंवले के फल को धात्री फल कहते हैं और ये एक ऐसी वनस्पति है जिसका प्रतिनिधित्व साक्षात मां महालक्ष्मी करती हैं। इसीलिए तो आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना करके करने से दरिद्रता भी दूर होती है और आंवले के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती हैं। जो लोग नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और कच्चा सूत क्लॉकवाइज 7 बार आंवले के पेड़ में लपेटते हैं और लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप करते हैं, निःसंदेह उनके जीवन से ऋण रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। आंवले के फल का दान करना भी बहुत महत् कार्य, बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, कहीं से आपको धन की प्राप्ति तो हो सकती है और आपका खान पान भी उत्तम रहेगा, कारोबार में आपको फायदा भी मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए कि शनि देव का तंत्रोक्त मंत्र ओम संघ शनश्चराय नमः, इसका एक माला जप आप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ मिथुन राशि की ओर, जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है, आपको आज लाभ ही लाभ होगा। विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ सकती है, परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सभी सुहागिन महिलाएं जो है वो यही चाहती है कि सुहाग की उम्र लंबी हो। हम सभी चाहते हैं कि जीवन साथी से हमेशा हमको प्यार मिलता रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। इसके लिए आपको किस पेड़ की पूजा करके, उसमें कच्चा धागा बांधकर और कौन सा एक खास उपाय कर अपनी इस परेशानी को खत्म करना है और जीवन में लाना है सौभाग्य, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि। सौभाग्य की कामना के लिए जो महिलाएं बट सावित्री के दिन, जिस दिन बट सावित्री व्रत होता है, उस दिन बरगद के पेड़ में यदि कच्चा सूत 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें और देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसो जहि, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाए तो निःसंदेह ऐसी महिला सुहागिन ही रहती है, कभी उसको वैधव्य दोष विधवा होने का दुख नहीं देखना पड़ता है, उसके जीते जी उसके पति का कभी अहित नहीं होता है। जो महिलाएं इस वट सावित्री व्रत को 12 वर्षों तक हर वर्ष लगातार करती हैं और यथा संभव श्रृंगार की वस्तुएं व्रत करने के बाद दान करती हैं, निश्चित रूप से वो अखंड सौभाग्यवती होती हैं और उनका पति चिरंजीव और दीर्घायु होता है। अल्पायु पुरुषों की भी पत्नियां यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें भी दीर्घायु से जीवन की प्राप्ति होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, यमराज प्रसन्न होते हैं और उन्हें लंबी उम्र मिलती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों की किस्मत हर जगह साथ देगी। आज यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कच्चा धागा बांधकर आप अपनी कौन सी परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो उसको किस पेड़ की पूजा करके उसमें कच्चा धागा जरूर बांधना चाहिए, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, विवाह में देरी हो रही है, कुंवारी कन्या है, क्या करें? देखिए, अगर आप कुंवारी कन्या है और आपके विवाह में सचमुच में विलम्ब हो रहा है तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके स्नान कर लीजिए और संपूर्ण रूप से पीले कपड़े पहनिए और केले के पेड़ के नीचे जाकर के गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए और उसमें कच्चा सूत केले के पेड़ में आप जरूर लपेटिए। अगर कच्चे सूत में थोड़ी सी हल्दी का रंग मिला दें तो बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से अगर 7 बार भी ये कच्चा सूत आप लपेटेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होगा। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को सोच समझकर बोलना है, अपने वाणी पर संयम रखें। आज आपको लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे और दोस्तों का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए आज का दिन सुनहरा है, लाभ मिलने वाला आपको है। आज आपको चाहिए कि किसी धर्म स्थान में या अंध विद्यालय में दूध का दान करें, इससे आपकी ग्रह स्थिति मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन कारोबार में प्रगति का वातावरण रहेगा और आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि राहु का मंत्र उमरांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कच्चे धागे से कारोबार कैसे मुनाफे में आएगा, कच्चे धागे से आपके रिश्ते कैसे मजबूत हो जाएंगे, कच्चे धागे से आपकी बड़े से बड़ी मुश्किल कैसे दूर हो जाएगी, इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से फटाफट से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। भाइयों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है और यात्रा का योग बन रहा है। ओम होम जूम से इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको शारीरिक कष्ट की जहां संभावना है वहीं धन लाभ भी आपको होगा, कारोबार में उन्नति भी मिलेगी और खान पान भी आपका अच्छा रहेगा। आज आपको ओम संघ शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावट जरूर आ सकती है, लेकिन पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका जहां भाग्योदय होगा वहीं आपको यात्रा से लाभ भी प्राप्त होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और आज आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने वाणी पर संयम रखें, लाभ के अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे, दोस्तों से लाभ भी आपको मिलेगा और कारोबार में आपकी तरक्की भी होगी। आज आपको चाहिए कि किसी अंध विद्यालय में या किसी जरूरतमंद को दूध दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में थोड़ी सी तनाव की संभावना बन रही है, कारोबार में उन्नति का वातावरण होगा, धन का लाभ मिलेगा और परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। आज आपको चाहिए ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कच्चे धागे से कैसे कर सकते हैं हम अपने रिश्तों को मजबूत, कैसे कारोबार में मुनाफा ला सकते हैं और कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर भगा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है
अस्त की स्थिति में है या नीच राशि में है, तो जीवन साथी के साथ प्रायः मनमुटाव देखा जाता है। तो आप घबराइए नहीं, सिर्फ सिर्फ एक छोटा सा उपाय करिए, 8 गुरुवार 8 बार गुरुवार को कच्चे सूत को हल्दी के पानी में रंग करके पीपल के पेड़ में आप बांध दीजिए। और यदि कारोबार नहीं चल रहा है तो शुक्रवार को कच्चा सूत लेकर के उसे केसर के घोल में रंग करके अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर कैसे टांगेंगे, जैसे बंधनवार टांगा जाता है। अगर आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए जिसका समाधान आपको न सूझता हो कि अब मैं क्या करूं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आपको चाहिए कि शनिवार को बरगद का साख पत्ता तोड़ करके उसे धो करके उसके ऊपर अपने लंबाई के बराबर कच्चा सूत नाप करके बरगद के पत्ते पर लपेट करके और कहीं नदी में ले जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। आप देखिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय करेंगे वह मनोकामना आपकी तत्काल पूरी होगी, लेकिन इसे शनिवार के ही दिन किया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के शत्रु सक्रिय रहेंगे, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, पढ़ाई में कुछ रुकावट आ सकती है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए आज का दिन लाभकारी है। आज आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आज का दिन लोन लेने के लिए अनुकूल है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। आज आपको चाहिए हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है धनुराशि की, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के मन में किसी तरह का असंतोष जरूर देखा जाएगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी और परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा। पीले फल का दान करना आज आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आ गई है आपके इंतजार को खत्म करने की, और आपके इंतजार को खत्म करके हम बात करते हैं अब आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले संतोष कुमार, इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। संतोष का जन्म 1 जनवरी 1988 को 7:30 बजे सुबह दिल्ली में हुआ। संतोष आपकी कुंडली धनु लग्न की है बेटा, और आपकी जो जन्म राशि है वो वृषभ राशि है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जन्म लग्न का स्वामी सूर्य वैसे तो लग्न में ही बैठा हुआ है, जन्म लग्न का स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, और भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है बुध और शनि के साथ। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य बुध की युति आपके कुंडली में राजयोग कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरु चांडाल योग जो चौथे भाव में आपके है ये आपको सफलता मिलने में परेशानी उत्पन्न करेगा। इस समय आपके स्वास्थ्य में जहां गिरावट आएगी वहीं आप अपने करियर में भी बहुत ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये दशा आपकी 10 अक्टूबर 2014 तक है। आपको चाहिए ओम होम जोम स इस लघु मृत्युंजय मंत्र का 108 बार रोज जप कीजिए, शिव मंदिर जाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक दिन भर काम में व्यस्त रहेंगे। आज आपको शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए। आज निरर्थक यात्रा का योग बन रहा है, अर्थात जो भी यात्रा आप करेंगे इसका कोई आज मतलब नहीं निकलेगा। विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कुंभ राशि की, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज कुंभ राशि के जातकों को आमदनी के नए साधन बनेंगे। आज आपको आग से और बिजली से सावधान रहने की जरूरत है। कारोबार में आपको लाभ भी मिलेगा। आज आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मीन राशि के जातकों का मन शांत रहेगा। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नौकरी में भी आपको उन्नति मिल सकती है। आज अपनी जिम्मेदारी आप पूरा कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।